भगवान श्री कृष्ण की एक अनोखी लीला दो मुद्राओं से दिखाया चमत्कार। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के पश्चात हस्तिनापुर वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में बहुत ही दयनीय अवस्था में एक गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया। उसने अर्जुन से भिक्षा देने को कहा। अर्जुन को उस ब्राह्मण की अवस्था पर दया आ गई तथा उन्होंने उसे एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दे दी। उस थैली को पाकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया तथा अपने सुखों के बारे में सोचते हुए तेजी से घर की ओर जाने लगा, परंतु दुर्भाग्यवश मार्ग में एक लुटेरा ब्राह्मण के सामने आ गया तथा उसने डरा धमकाकर ब्राह्मण से स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली छीन ली। ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ तथा उसे फिर से लोगों से भिक्षा मांगने के लिए विवश होना पड़ा। एक दिन जब वह भिक्षा मांग रहा था तो अर्जुन की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी तथा अर्जुन ने आश्चर्य करते हुए उस ब्राह्मण से पूछा कि मैंने तो आपको पर्याप्त मात्र में धन दिया था, परंतु फिर भी आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो। ब्राह्मण ने अर्जुन को बताया कि किस तरह वह एक लुटेरा द्वारा मार्ग में लूट लिया गया, जिस पर अर्जुन ने फिर से उस ब्राह्मण पर दया दिखाते हुए उसे एक बहुत ही मूल्यवान हीरा दिया। ब्राह्मण ने अर्जुन का धन्यवाद करते हुए वह हीरा लिया तथा एक सुरक्षित मार्ग से अपने घर पहुँच गया। ब्राह्मण ने चोर आदि के भय से उस हीरे को एक पुराने घड़े में छिपा दिया। उस घड़े का प्रयोग उनके द्वारा बहुत दिनों से नहीं हुआ था। थकान के कारण ब्राह्मण की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। परंतु यह उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य था कि उसकी स्त्री जब पानी भरने नदी में गई तो उसका घड़ा मार्ग में टूट गया, जिस कारण उसने पानी भरने के लिए वह घड़ा लिया जिसमें ब्राह्मण ने वह मूल्यवान हीरा छुपा कर रखा था। जब ब्राह्मण की स्त्री नदी से पानी भर रही थी तो वह हीरा पानी में डूब नदी के साथ बह गया। ब्राह्मण ने जब उस खड़े को जल से भरा देखा तो वह समझ गया कि क्या हुआ होगा तथा फिर से वह अपने भाग्य को कोसते हुए भीख मांगने निकल गया। जब उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण और अर्जुन ने पुनः भीख मांगते देखा तो उन्होंने उनसे उस कारण पूछा। ब्राह्मण ने जब पूरा वृतांत सुनाया तो अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि इस ब्राह्मण के भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है, फिर कोई इसके समक्ष दुनिया का समस्त धन लाके ही क्यों न रख दे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देख मुस्कुराए और अपनी लीला चलते हुए उस ब्राह्मण को दो पैसे दान में दिए। अर्जुन आश्चर्य होते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, जब मेरे द्वार दिए स्वर्ण की मुद्राओं और मूल्यवान हीरे से भी यह व्यक्ति अपने दुर्भाग्य के कारण दरिद्र ही रहा तो आपके ये दो पैसे इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। भगवान कृष्ण फिर से मुस्कुराए और बगैर कुछ कहे अर्जुन को उसके पीछे जाने का इशारा किया। ब्राह्मण दुखी मन से यह सोच रहा था कि आखिर श्री कृष्ण ने उसे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया, क्योंकि इन रुपए से वह अपने खुद के लिए एक समय का भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। तभी उसे एक मछुआरा दिखाई दिया जिसके जाल में एक मछली अब भी जिंदा थी और तड़प रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास जो पैसे है उससे मेरा तो भला हो नहीं सकता, क्यों न इस मछली की ही जान बचा ली जाए। उस ब्राह्मण ने दो पैसे में वह मछली खरीद ली और उसे अपने कमंडल में डाल पास ही नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि उस मछली के मुंह से एक चमकीला पदार्थ निकला, वह वही हीरा था जो उसे अर्जुन से प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण खुशी में चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। ब्राह्मण के भाग्य से वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण को लूटा था उसी नदी के किनारे से होते हुए निकल रहा था। जब उसने ब्राह्मण को मिल गया चिल्लाते हुए सुना तो उसे लगा कि ब्राह्मण को पता चला गया कि उसी ने ब्राह्मण को लूटा था। ब्राह्मण राजदरबार में उसकी शिकायत न कर दे इस डर से उस लुटेर ने ब्राह्मण को उसका धन लौटाते हुए उसके चरणों में गिर माफी मांगने लगा। इस सब को देख अर्जुन भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ते हुए बोले, भगवान यह आपकी कैसी लीला है। मेरे द्वारा ब्राह्मण को दिए गए मूल्यवान हीरे और स्वर्ण मुद्राओं के कारण भी ब्राह्मण पहले की भांति अपने दरिद्र अवस्था में बना रहा, परंतु आपके द्वारा दिए दो पैसों ने उसका भाग्य ही बदल डाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन यह चमत्कार तो सिर्फ सोच के अंतर के कारण हुआ। जब उस ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान हीरा प्राप्त किया तो वह सिर्फ अपने सुखों के बारे में सोच रहा था, परंतु जब उसके मात्र दो पैसे थे तो उसने अपना दुख भुलाते हुए दूसरे के सुख के बारे में सोचा। अतः जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसके साथ सदैव मैं होता हूँ तथा उसका भला स्वतः ही होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।